हेलो प्रणव, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आप लोग देख रहे हैं, अभी रेडी हो चुके हैं हम लोग एक दो रील बनाने के लिए। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आप लोग अपना हाल बताइए, सभी लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं? और दोस्तों, जहाँ भी रहना, ठीक रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है दिखने में? और अगर आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है दोस्तों। तो आप लोग, दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ मैं दोस्तों, अगर कुछ हमारे से गलतियाँ हो गई हुई। हमारा चैनल बिल्कुल ठंडा चल रहा है, बिल्कुल पहले हार्ट था, नीचे हो गया है अभी। तो दोस्तों, कुछ गलतियाँ हो गई तो हम लोगों से माफ़ कीजिए और सबके लिए सॉरी चाहती हूँ फर्स्ट में। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में ये बताइए, हम लोग कैसे लग रहे हैं? और दोस्तों, क्या बताएं, आज हम लोगों ने खाना नहीं बनाया, खाना बनाया खिचड़ी बनाई हम लोगों ने, क्योंकि हमारे घर आज आटा नहीं था। फिर भी हम कभी भी दुख में नहीं रहते हैं। सब्जी भी नहीं था सुबह में, आज पैसा भी नहीं। मेरे महादेव जी गुस्सा में सो रहे हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, बने रहिए इसी तरह। तो देख सकते हैं, अगर आप लोगों को खिचड़ी खाना है, मैं बगल से बता देती हूँ, देख सकते हैं खिचड़ी में ना तो टमाटर है ना मिर्ची है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको, ऐसी खिचड़ी बनाई हमने। क्यों बनाई है? हमारे घर में अभी पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने बनाई है। अगर आप लोग यही एक खिचड़ी मेरे महादेव जी ने भी खाई है, मैं भी खाने के लिए जा रही हूँ, तो सबसे पहले आप लोग खा लीजिए। मेरे को जो अपना दिल का बात शेयर करने में, मेरे को आप लोगों से ऐसा लगता है, मैंने घर की फैमिली से आप लोग में अभी बात कर रही हूँ, दिल में सुकून मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, जहाँ भी रहिए आप लोग, सबसे पहले मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और फिर दोबारा से बोल रही हूँ, आप लोग खा लीजिए, मैं खाने जा रही हूँ। सुबह से खिचड़ी खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन तेज़ से भूख, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भूख लग रही है, इसलिए रहा नहीं जा रहा है भूख पेट, इसलिए खा रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए हम लोगों को दोस्तों। सब थोड़ा तो सब सभी लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आप तक थोड़ा तक पहुँच ही जाएंगे। हमारा सपोर्ट होने में बेटा की मदद हो जाएगी, पढ़ाई में लिखाई। मेरा जूली चिल्ला रही है, खाना है तो आप लोग खा लीजिए, दिल नहीं बोल रहा है खाने के लिए, फिर भी खा रहे हैं, क्या करें, भूखे पेट से रहा नहीं जा रहा है दोस्तों। मैं आप लोग को और भी बता देती हूँ, आपको विश्वास नहीं है, बने रही है आप। सही बात है कि दिक्कत बात है, मेरे मालिक जी सो रहे हैं अभी। आज पैसे काम ढूंढने के लिए गए थे लेकिन काम नहीं मिला है। और ये इधर में ये देख सकते हैं इसको, ये भी जो चूक रही है। क्या हो बेटा, क्या होगा, फाल पी ले, फूप कर ले, फूप कर लो बस। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे घर की स्थिति देखी ली है, मेरे मालिक जी सो रहे हैं। सोते आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कभी भी, अभी सो रहे हैं वो भी गुस्सा में सो रहे हैं, क्योंकि काम खोजने गए थे सुबह सुबह तो काम उनको नहीं मिला है, वो आके वापस से सो गए हैं। तो दोस्तों, क्यों बस इससे आगे हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। आप लोग मुझे फिर दोबारा से देख लीजिए, उसको खाने का दिल नहीं कर रहा है, फिर भी खा रहा है, क्या करें। ऐसा स्थिति हम पे आ रहा है, ऐसा किसी पे नहीं आना चाहिए दोस्तों। अपनी लाइफ में ठीक ठाक रहना चाहिए, लेकिन अभी पहले जब शादी में चले गए तो हमारा काम धंधा बंद हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। अभी गर्मी में भी काम नहीं चलेगा, क्या कर सकते हैं, पेट से भरना है, कैसे भी भरना है दोस्तों। तो हो सके तो दोस्तों थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, बस आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट है। अगर आप दिल तोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोग सपोर्ट कभी ना कभी तो करेंगे दोस्तों। दिल तोड़ने से जब एक बार वीडियो में आ चुके हैं बंद हो जाएंगे तो सभी लोग आस पड़ोस के क्या बोलेंगे, पहले वीडियो बनाते थे बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसलिए दोस्तों अभी
आप लोग सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन रेगुलर हम लोग वीडियो डालते रहेंगे आपकी तरफ। इतना ही कहना है आप लोगों से। नहा धो लिए हम लोग, रेडी हुए थे, सोच रहे थे दो एक रील बनाने के लिए। तो मेरा बाबू नहीं है अभी, बाबू इधर में बाजू में खेल रहा है, तो मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है, हमारे पास स्टैंड नहीं है, इसलिए जब बाबू आ जाएगा तो वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग खा लीजिए सब। देखते हैं शाम को, भगवान के भरोसे बैठे हैं, अगर कोई पैसा दे देगा, पैसा की बोल रहे हैं, शाम को मिल जाएगा, खाना बनाएंगे शाम को, जब तक दिन का गुजारा इससे हो जाएगा। बहुत स्थिति आ रही है दोस्तों हम लोगों को, कुछ नहीं बोल सकते इससे हम। आप लोग देख रहे हैं मैं आज बाल माल धो ली हूँ, बना ली, मैं खुले बाल में अच्छी लगती हूँ, कुछ छोटी में अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मैं खुले बाल में वीडियो जरूर बनाऊंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। लेकिन खुला बाल मेरा टूट जाता है एकदम, इसलिए मैं खुला बाल नहीं करती। दोस्तों देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बैठे हैं बाहर, मेरे महादेव जी सो रहे हैं, सुबह से इन्हें भी अभी खाना खाया, उनको खिचड़ी नहीं भाती है, फिर भी मैं बोली थी खिचड़ी खाने के लिए, तो खाया उन्हें थोड़ा सा, खा के सो गए। उनका भी मन बहुत ख़राब हो रहा है, उनका काम धंधा नहीं मिल रहा है ना, तो मांस का तो बेहद मूड ख़राब होता है, आप लोग सोच ही सकते हैं। तेजी से रख देंगे दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, देखते रहे बने रही आप। लेके खोजल भरी तर करिया, लग दिल के बितरिया। तो दोस्तों जो नसीब में होता है वो मिलता है, कहीं भी रहो ये नसीब में होता है, जो ही मिलना है कैसे भी रहो, चाहे तो दुखी रहो सुखी रहो, दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। जैसा है घर में जैसा खाओ पियो, बस सुखी से रहो, किसी पे मांगने से कोई एक दिन देगा दो दिन देगा, कोई रोज़ रोज़ खाने के लिए नहीं देगा, इसलिए जो घर में है जो ही खाओ, बस टाइम बिताओ अपना अपना, बस इतना ही। अगर आप लोग अगर बात अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए सभी लोग। मैं आप लोग को दिखा दी हूँ, सामान भी इधर ही पड़ा है, देखो काम देखने के लिए गए थे वो, लेकिन काम नहीं मिला तो वापस आ गए, इसलिए अंदर नहीं चल रहा है ये, पर क्या करें। रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं दोस्तों आप लोग, अगर आप लोग करेंगे तो अच्छा ही होगा। थोड़ा सा बचा है, पेट तो भर जाएगा। ओए सुनता का खाना खा तो वाह, खाना खा रहे हैं का खिचड़ी है, अब शाम हो गई, सपा 6 बज गए, अभी तक सो, देर रात में कहाँ जाऊँ है। हाँ सुना था तो उठ के बैठ जाओ फिर है।
सवाल कब ले? फिर देखा सवाल लगे चले जाते बाकी हैं उधर तो पैसा तो कुछ अब तो देखियो क्या बच भी तन जा रहे जुलेर तू का भी किचड़ी बेटा किचड़ी का आगे तू दूध पी ले अपन दूध पी ले अपन है बगलो मोड़ी तकिया लेकर सोतवा जा रहे हैं कैसे पानी ना प्यास लगत बा और कट्टी में देखियो जा रहे दोस्त पानी पीने के लिए बने तो दोस्तों आप लोग बने रहिए अभी खाना तो हम लोग खा लिए और दोस्तों देख रहे हैं ये ऐसे तैसे कान का बनाया था मैं लेकिन इसका पेच नहीं मिल रहा है इसका पेच नहीं है इसका पेच तो है इसका पेच घूम गया है कान वाला था लेकिन इसका पेच ही नहीं मिल रहा है कहीं भी और जो मैं जो चूड़ी का लटकन होता है उसमें से बनाई तो सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे लग रही है तो दोस्तों इधर का है मैं डाल के बताती हूँ इधर का है ये अभी लेकिन इसका ये मेरा बाबू ये घुमा दिया है कहीं मिल नहीं रहा है इसका ये देख लीजिए आप इसका पेच नहीं मिल रहा है इसलिए मैं नहीं पहनी हूँ ये रख देती हूँ क्योंकि पहनने उसका पेच ही नहीं है तो कैसे पहनेंगे दोस्तों तो दोस्तों चलते कुछ काम करते बर्तन पड़े हैं हमारे बर्तन बर्तन मांजते हैं घर का काम कर लेते हैं देखते हैं मेरे महादेव जी जा रहे हैं बोल रहे हैं अभी जाऊँगा पैसा लेने के लिए अगर पैसा मिलता है तो खाना बनाएंगे अभी इसकी पहले मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ दोस्तों आप लोगों से बात कर ली बस इतना ही काफ़ी हम लोगों को और आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है जो हिंदी में करता है तो अच्छा लगता है जो इंग्लिश में करते हैं तो हमको पढ़ना नहीं आता है इसलिए उसका रिप्लाई नहीं दे पाते हम लोग दोस्तों क्या बताएं हमारी ऊपर क्या क्या बीत रही है समझ में नहीं आ रहा है भगवान पता नहीं कौन सा जन्म का परीक्षा ले रहा है हमसे पहले हमारा काम बहुत ही अच्छा चलता था जब से हम घर पे गए हैं गांव जब से हमारा काम आने के बाद काम बंद हो गया है काम ही नहीं चल रहा है हमारा सुबह के निकले हैं मेरे महादेव जी अभी आए थे पैसा लेने के लिए फिर भी पैसा नहीं मिला अभी देखते हैं दोबारा जो एक लड़का है वो बोल रहा है पैसा की 500 रुपये देने के लिए अगर वो दे देता है तो राशन लेके आएंगे हम लोग जब तक नहीं तो शाम के भी हमारे घर खिचड़ी बनेगा मेरे को लग रहा है कहीं पैसा नहीं मिला तो खिचड़ी बनाएगा अगर पैसा मिल गया है तो चपाती बनाएंगे सब्जी बनाएंगे कुछ तो चलते हैं दोस्तों कुछ काम कर लेते बर्तन पड़े हैं हमारे थोड़ा बहुत तो फिर मिलेंगे कि दूसरा वीडियो में तब तक के लिए सभी के लिए बाय बाय मेरा दोस्त तो फिर भी बोल रही है अगर कुछ गलती से बोल दिया होगा हमने तो सॉरी सभी के लिए माफ़ कीजिए तो आप लोग भी जहाँ भी रहिए दोस्त अपना अपना ख्याल रखिए तो फिर मिलेंगे